स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9. इन लास्ट डे वी आर डिस्कस्ड अबाउट इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑन इरेशनल नंबर, एंड वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट वीडियो. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इन विच वी हैव स्टडीड in earlier classes about it. In this video we have remind the earlier knowledge. There are the some rules for exponents, जिसमें कि हमने देखा है कि किस तरह से एक्सपोनेंट के पावर, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई के केस में. अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिवीजन के केस में. तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिमाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उसके आगे की जानकारी लेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहला है केस कि व्हेन ए टू ए एम एन, अगर ए एम और एन तीन नेचुरल नंबर्स हो, देन ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एम प्लस एन. इसका मतलब है कि अगर ए टू द पावर एम हो और ए टू द पावर एन हो और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. अगर ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन है, यानी कि जब डिवीजन का केस हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ए टू द पावर एम माइनस एन. ए टू द पावर एम टू द पावर एन, इसका मतलब अगर पावर के ऊपर पावर गिवन हो तो यहाँ पे पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए टू द पावर एम इंटू एन विच इज इक्वल्स ए टू द पावर एम एन. अगला केस है कि अगर पावर्स सेम हो तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर को कॉमन लेकर. इट मीन्स ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी टू द पावर एम, देन ए बी होल टू द पावर एम. यहाँ पे ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम में एम जो है कॉमन पावर है, देयरफॉर एम कॉमन ले लेते हैं और ए इंटू बी होल टू द पावर एम लिखते हैं. ए टू द पावर जीरो इज इक्वल्स वन. अब इस केस में क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन होता है, और किसी भी नंबर्स के पावर अगर निगेटिव हो तो वो जो है रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है. ए टू द पावर माइनस वन, दैट इज वन बाय ए. वन बाय ए टू द पावर एम, तो इसका पावर जो है सो निगेटिव हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस एम. ए टू द पावर वन बाय एम, इट इज बिकम्स एम रूट ए. एंड ए टू द पावर एम बाय एन, तो एन रूट ए टू द पावर एम. इसको ऐसे समझेंगे कि ए टू द पावर एन होल टू द पावर वन बाय एम लिख सकते हैं. तो ए टू द पावर एन जो है ए टू द पावर एम होल टू द पावर वन बाय एन. तो इस तरह से ए टू द पावर एम इंटू वन बाय एन, एम बाय एन हो जाएगा. तो n रूट है तो इसलिए रूट n के ऊपर आ गया, यहाँ पे ए टू द पावर m हो गया. तो ये जो है सो इस तरह से फॉर्मूला डिराइव होगा. फिर यहाँ पे a by b होल टू द पावर m, तो इसकी डिवीजन में है तो पावर अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो a टू द पावर m बाई b टू द पावर m. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एक्सपोनेंट से जुड़े कुछ रूल्स. अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कीजिएगा. जो प्रॉब्लम हो वो हमें मैसेज कर देना, इसका सॉल्यूशन हम आपको कर देंगे. तो अब यहाँ पे पिछले दिनों हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ हिंट हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक से. इसको हमने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए सॉल्व कर रखा है या फिर हिंट दे रखा है. अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो एक बार डिस्कस कर लीजिएगा और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए.
तो आपने यहाँ पे देख लिया किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक हमने सॉल्व कर रखा है, बाकी क्वेश्चन हमें लगा आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा, हम आगे का क्वेश्चन भी आपको हिंट कर देंगे। थैंक यू।